वालिया ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा, उन्होंने मुझे एक नई पहचान दी, बहुत हेल्प किया। तुम्हारे मर्दों का दम हमारे घर में पड़े और सब खुशी गायब हो गई। तुम और तुम्हारी मेहरबानी हम सबको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आए। मैं पहले इसी के दिले तुम लोग पर हूँ और तुम सबसे बड़ी मानो। और बुरे वक्त में बुरी खबरों के अलावा सुनने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सब एक साथ हैं। तुम कहाँ हो कि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को क्या तक नहीं जानती। मेरे अंकल को अभी तक होश नहीं आया, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं, उनकी कंडीशन कोई भी नहीं। मेरे अंकल से मिलने गया था, डॉक्टर ने मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं। आपके हिसाब से मुझे वालिया पैसे कौन लगा सकता है? मैं जानती हूँ। देखिए, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर हम इस अजय वालिया को बचा नहीं पाए। अभी अभी डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है हमारे शहर के मशहूर इंडस्ट्रियल बिजनेस अजय वालिया उस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अजय वालिया अब हमारे बीच नहीं रहे। जय भैया को कुछ नहीं हो सकता, आपने कहा था ना, कहा था ना। मैं बात करती हूँ उनसे। लिसन ऑफिसर, मैं जिज्ञासा वालिया जय वालिया की बहन हूँ, मुझे उनसे मिलना है, हटिए। अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अभी पुलिस मिस्टर वालिया की बॉडी की जांच कर रही है। मतलब शट अप, जय वालिया की बॉडी की जांच की ये आप मुझे जाने दीजिए अंदर। प्लीज मैडम, मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लीज मैडम आपको समझाइए। एक मिनट मां बाजी बाजी जय वालिया की बॉडी की जांच कर रही है। We'll be right back.
तुम्हारा इंतजार था, मुझे यकीन था बानी आज तुम जरूर आओगे। देखो देखो सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो गया। ऐसा हो गया बानी, मेरे जय भैया फिर यही चाहते थे खुश हो रहा बहुत, यही तो चाह रहा तुम्हें हमें बर्बाद करने तो हिम्मत की साथ देनी पड़ेगी तुम्हें। वो उठाकर चली आई सब कुछ करने के बाद, क्या करते हमारे आंसू पहुंचने आई हो, देखने आई हो कि तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ या नहीं। आप अंदर नहीं आ सकते मैडम। आप मुझे नहीं रोक सकते, मिस्टर वाजा मेरे पति हैं। रुको मैडम, मौत की खबर झूठी थी मिस्टर वाल। आपने फिर मुझसे झूठ बोला है, फिर मुझे धोखा दिया है मिस्टर वालिया। माँ और मासी की हालत बहुत खराब हो रही है, मैं सब फैमिली मेंबर्स को जाकर ठीक हूँ और रिपोर्ट उसको भी बताना पड़ेगा, पता लगेगा तो बता देंगे। क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने ये झूठ तुम्हारे लिए बोला, बाकी तुम वापस आ जाओ। मुझे डर था पानी की कहीं तुम्हें वो तो नहीं गया। बिसाइड पानी मुझे तुम्हारी जरूरत, आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बच्चे की जरूरत है। आपने हमेशा मुझसे झूठ बोला है, हमेशा मुझसे सच छुपाया है, और इस बार मुझे और कोई झूठ नहीं बचा था। आपने हमेशा दूसरों की भावनाओं से खेलना सीखा, आपको क्या लगता है मैं एक छोटे शहर से हूँ तो आप मुझे किसी भी तरह पागल बना जाना है तो तुम्हें जाने दूंगा,
करो दीदी, अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपने हमें बताया तक नहीं और ऐसे ही चली गई। दीदी, आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया। मैंने सोचा था जब आप मिलेगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन ये आपका पहला और आखिरी मौका है। आपने दोबारा ऐसा किया ना, मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक जिम्मेदार पत्नी हो, तुम एक छोटी बच्ची नहीं। अब तुम्हें अपनी दी की तरफ नहीं, अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए। मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे आपके साथ रहना है बस। अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मिस्टर वालिया और उनका घर छोड़ चुकी हूँ। दीदी, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। दीदी शानू, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ साहिल है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। साहिल, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। बताइए मामी, आपको क्या चाहिए? साहिल, रानू को अकेलेपन से बहुत डर लगता है, प्लीज रानू को कभी अकेले मत छोड़ना। मैं जानती हूँ तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हें कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते मैं सिर्फ ये तसल्ली चाहती हूँ, प्लीज मेरी बहन को कभी अकेले मत छोड़ना, उसका ख्याल रखना। मामी, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं रानू के साथ हमेशा रहूंगा। मिसेज वालिया, मिस्टर वालिया के ऊपर हुए शूटआउट के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ चलता हूँ। शूटआउट के बारे में बाणी से जानकारी मुझे।
तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तेरे बिना कैसे जी सकती। अपनों से ऐसा मजाक करते, मुझे मालूम है हम सबकी जान तुझ में बसी है, इतना दिल दुखा है हमारा। ये चने किया तूने, बच्चा मेरी परछाई है, मेरा वजूद है वो बच्चा। पर बेटा, तुम दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे ये सब करना पड़ा है? चलिए मासी, डॉक्टर ने जय को आराम करने के लिए कहा है। जय भैया, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप रेस्ट कीजिए, जल्दी घर आ जाइए, बस आप जल्दी से अच्छा हो जाए। राहें जुदा हो गए, जिज्ञासा मैडम ने हमें बताया कि जिस वक्त वालिया साहब पर गोलियां चली, उस वक्त उनके फैमिली के सभी मेंबर वाले घर पर थे, सिर्फ आपको छोड़कर। कम ऑन इंस्पेक्टर, अगर बानी घर पर नहीं थी तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे के वक्त मिसेज वालिया कहाँ थी। बानी मेरे साथ थी। हाँ इंस्पेक्टर, मिस्टर वालिया के घर छोड़ने के बाद बानी पूरे वक्त मेरे साथ थी। उस रोज जब बानी अपना घर छोड़कर गई तो ये खबर मेरी वाइफ पिया ने मुझे दी और मैं बानी को ढूंढने के लिए निकल गया। जब बानी मुझे कहीं नहीं मिली तो मैं स्टेशन पहुंच गया। मुझे यकीन था कि बानी बाउंड आबू जा रही होगी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ठीक तो? मुझे माउंट आबू जाना है। मैडम, माउंट आबू के लिए तो आपको बोरीवली जाने पड़ेगा। आप यहाँ से 6:05 की ट्रेन लीजिए, फास्ट ट्रेन, और सीधा आपको बोरीवली छोड़ेगी, वहाँ से आपको माउंट आबू की ट्रेन मिल जाएगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो पुष्कर। नहीं बानी, तुम कहीं नहीं जा सकती पुष्कर। तुम नहीं समझ रहे हो बानी, मुझे कुछ नहीं समझना, तुम मेरे साथ चल रही। उसके बाद बानी मेरे साथ मेरे ऑफिस के गेस्ट हाउस में आ गई। कुछ और जानना है आपको बानी के बारे में? What the hell are you doing, Inspector? अब घर क्या रहे? हम तो सिर्फ ये पूछताछ कर रहे हैं कि हमले के वक्त हादसा मेरे साथ हुआ, अटैक मुझ पर हुआ, गोली मुझ पर चली। जो कुछ पूछना मुझसे पूछिए, मेरी बीवी से क्यों पूछ रहे हैं आप? प्लीज आप इस पर किसी तरह का स्ट्रेस मत डालिए। आई इंसिस्ट कि आप अभी इसी वक्त से जाने। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।